दोस्तों, गुरु हमेशा अपने नूरी स्वरूप में शिष्यों के साथ रहते हैं। अपने अभ्यास में ज्यादा दृढ़ता हासिल करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। नीले रंग के नक्षत्र और तारे आंतरिक जगत के द्वार पर ही हैं। इनके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। हालांकि गुरु यह स्थूल टोला छोड़ देता है, फिर भी उसके शिष्य की तरक्की जारी रहती है। यह बात अनुभव पर आधारित है। मेरे गुरु बाबा जी महाराज ने चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले एक स्त्री को नाम दिया था। उसके कई सालों के बाद उस स्त्री की आत्मा अंदर के मंडलों में बहुत दूर तक जाने लगी। कोई भी इंसान बिना नाम दान के रूहानी मंडलों पर नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने उन रिश्तेदारों को जिन्हें नाम नहीं मिला है, दूसरी दुनिया में देखने की आशा नहीं कर सकते। अगर वे रूहानी मंडलों में गए हों तो आप उनसे मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वैसे लोगों से मुलाकात और बातचीत नहीं हो सकती जो इस दुनिया में किसी स्थूल चोले में दोबारा जन्म ले सकें। मौत के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर के नक्श स्थूल शरीर की तरह होते हैं, लेकिन तीनों शरीर के तत्वों में बहुत फर्क है। अगर किसी आत्मा को इस दुनिया में फिर से जन्म लेना हो तो उस आत्मा को माता के गर्भ में जाना पड़ेगा और बाहर आने के लिए स्वाभाविक समय लगेगा। दूसरे मंडलों की आत्माएं इस स्थूल मंडल में खास दिलचस्पी नहीं रखती। वे सभी वहां अपने ही काम में काफी मशगूल व्यस्त रहती हैं। इस मन और माया के देश में कर्मों का कानून अटल है और जो कुछ भी होता है कर्मों के मुताबिक ही होता है। अपने आप कुछ भी नहीं होता। खंडों ब्रह्मांडों का संचालन इस कानून से हो रहा है, इसलिए कहीं भी कोई घटना अचानक घटित नहीं होती। भले ही वह घटना छोटी हो या बड़ी हो, शांति या संकट में सिर्फ वे ही तकलीफ पाते हैं जिनके भाग्य में तकलीफ पाना लिखा हो। जो भी पैदा हुआ है परिवर्तन और नाश के अधीन है। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य और तारों का भी प्रलय होता है, पर बहुत लंबे वक्त के बाद। इतना लंबा कि वह इंसान की समझ से परे है और कह सकता है कि मौजूद ग्रह मंडल की रचना कब हुई। पैगंबर, योगी और खगोल वेत्ता अपना अपना अंदाज बताते हैं और खगोल वेत्ता हर एक नई खोज के बाद अपने अंदाजों में सुधार करते रहते हैं। लेकिन यह कौन कह सकता है कि आज तक कितनी बार प्रलय हो चुकी है। सिर्फ वही जिससे सृष्टि की रचना की है इसे जानता है। जो लोग तीसरे तल से बाहर बैठे हैं, उनके लिए तो इतना जान लेना कि काफी होगा कि इस सृष्टि की रचना और प्रलय के बीच का वक्त बेहद लंबा होता है। इसलिए आने वाली लड़ाई या एटम बम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बेतुकी और ख्याली बातें लोग अपने महायुद्ध के वक्त और उसके बाद भी किया करते थे। बाढ़, भूकंप, अकाल और महामारी से वक्त भी लोग ऐसी बातें करते हैं। फिक्र सिर्फ तीसरे तिल में प्रवेश करने और गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन करने की होनी चाहिए, ताकि गुरु हमेशा अंग अंग हो जाए और लोक और परलोक में हम उनका आसरा ले सकें। जो नाम से जुड़ चुका है उसको शांति या संकट में कोई भटका नहीं सकता। उसके आगे के लिए स्थान निश्चित है, वह वहीं जाएगा और भटकेगा नहीं। मुझे खुशी है कि आपको नामदान मिल गया है। अब अंदर के रास्ते पर चलना आपका काम है। प्रेम और विश्वास के साथ तीसरे दिल में ध्यान को स्थित रखते हुए नाम के सिमरन में रोज वक्त दीजिए और यह ख्याल रखिए कि सिमरन करते समय मन दूसरे कामों में बाहर ना जाए, और अगर जाए तो उसे वापस लौटाकर तीसरे दिल में लाइए और सिमरन जारी रखिए। धीरे धीरे मन अंदर जाने लगेगा और तीसरे दिल में बैठने लगेगा। ध्यान हाथों और पैरों से सिमटने लगेगा और सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। प्रकाश नजर आएगा और रूहानी सफर शुरू हो जाएगा। शुरू में यह काम धीमी रफ्तार से होता है। सिमरन और तीसरे तिल में ध्यान के जरिए जो रूहानी ताकत विकसित होती है उसे बीमारों को अच्छा करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस ताकत को आंतरिक चढ़ाई के लिए संभाल कर रखना चाहिए। अगर इसे बीमारों को अच्छा करने में खर्च कर दिया जाए तो ऐसा करने वाले को खोखलेपन और थकावट के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह एक घाटे का सौदा है। ऐसे इंसान
को रोगी के कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेना पड़ता है, जिससे वह खुद नीचे गिरता है और कभी भी आंतरिक सफर में कोई तरक्की नहीं कर सकता। अपनी रूहानी कमाई को खर्च करता हुआ वह जो कमाया सुख खाया की हालत में रहता है। जवानी भटकाने वाली होती है, लेकिन उदाहरण और उपदेश के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिलने से इसे सही रास्ते पर रखने में काफी मदद मिलती है। आप अपनी लड़की को एक साफ सुथरी पवित्र जिंदगी बिताने के लाभ बताएं और उसे समझाएं कि जीवन का उद्देश्य रूहानी तरक्की और मुक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की एक दुर्लभ देन है। सारी सृष्टि में केवल मनुष्य को ही अपने सृष्टिकर्ता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त है, और शब्द धुन ही है जो हर एक में मौजूद है और जिसे हर एक सुन सकता है। ऊपर उठने अपने रूहानी धाम को वापस जाने और परमात्मा से मिलने का मार्ग है। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि आपके पति ने आपके प्रेम, पतिव्रता, धर्म और सेवा की कोई कदर नहीं की। आपकी शादी के वक्त भी दी गई मेरी सलाह हिंदू पत्नी की दृष्टिकोण से दी गई थी। हिंदुओं में शादी एक पवित्र संस्कार और स्थायी रिश्ता माना जाता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने मेरी और उस राय के मुताबिक चलने की पूरी पूरी कोशिश की। अगर वे आपके साथ गुजारा नहीं कर सकते, तब आप जैसा ठीक समझे वैसा कर सकती हैं। आपने अपना कर्तव्य निभाया, इस बारे में आपके बर्ताव से मैं संतुष्ट हूँ। ऐसी हालत में आपको मेरी पूरी इजाजत है कि आप जैसा चाहें वैसा करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेगी। धन्यवाद।